मैं बहुत सारे जिम में लाइक रोज जाता हूँ और बहुत सारे गुरुजियों को मिलता हूँ जो गुरुजी अपने कुछ चेले पाले हुए हैं और उनको ट्रेनिंग कराते हैं विथ बहुत मोटा लाइक सुई एंड स्टेरॉइड्स। मैं उन गुरुजियों को सीधा बोलता हूँ, भाई साहब मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ, आपकी जो एज है, क्योंकि आप एक तो पहली बात आप लंका के राक्षस की तरह दिखते हैं, आप इंसान की तरह नहीं दिखते। आप एक तो आपका जो एज है, आप 45 के बाद मिलेंगे नहीं, या मैक्सिमम 50, 50 के बाद आप लोग मिलेंगे नहीं, आप लोग टाटा बाय बाय कर लेंगे दुनिया को। एटलीस्ट ये जो 20 से 30 साल वाले बच्चे हैं, इनको आप स्टेरॉयड के लिए गाइड मत करिए। और इवन मैंने कुछ लड़कियों को भी देखा है जो स्टेरॉयड ले रहे हैं, उन बहनों को भी ये है, जो भी गुरुदेव आपके पिछवाड़े में डाल रहे हैं ना, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर आप कंस्टेंटली 3 4 5 महीने आपका नहीं होता है ये स्टेरॉइड के चक्कर में, आप कभी जिंदगी में मां नहीं बन पाएंगे। तो अच्छी फिजिक, आप अगर कंस्टेंट कुछ काम करेंगे कोई भी चीज पे, उस पर आपको सक्सेस मिलेगा, फिजिक पे भी मिलेगा अगर आप कंस्टेंट काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेप्टिडाइड अगर आपको लेना है हल्का फुल्का, आपने कुछ ही अच्छे जो उसपे मतलब पढ़ाई किया हुआ है, उस पेप्टिडाइड वगैरह थोड़ा बहुत आप इंजेक्ट कर ले बॉडी में, ये एडजस्टेबल है। बट बिल्कुल आप ये जो टेस्टोस्टेरोन पता नहीं जो इतने भर के चीज है ये मत लीजिए, ये मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है। अगर इसके नीचे बहुत सारे लोगों को, मुझे पता है इस वीडियो के बाद गाली पड़ेगा, आप गाली दे दें बट स्टेरॉयड मत लें। बेसिकली 20 से 35 साल के जो एज ग्रुप है ये वाले बच्चे ना लें। जो एक बार एक साइकिल कर लिया, ये साइकिल आप ये समझ लीजिए, जिसने भी एक बार साइकिल किया उसका लाइफ 8 साल 5 साल 6 साल ये घट गए। तो आपके जो गुरुजी हैं, ये गुरुजियों का लाइफ जो है ये 45 50 के बाद मिलेंगे नहीं, ये टाटा बाय बाय कर लेंगे दुनिया को, और आप ये गुरुजी को ढूंढते रहेंगे। तो बेटर है आप कोई अच्छा फिटनेस ट्रेनर हायर करिए, आपके जो आपको फिट बनाए अंदर से, ना कि आपके पिछवाड़ा में पोट ठूस ठूस के आपको ऊपर से तो मोटा बना दे और अंदर से खोखला। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अगर नहीं भी लगेगा आप मत करिए, नहीं तो लाइक व्हाटएवर यू वांट टू डू आप करिए, बट ये फालतू चीज के चक्कर में मत पड़िए।